ये मैं परसों एक 8-10 दिन पहले हमारे नेता हसन मुशरफ साहब के पास गया था। हसन मुशरफ साहब से हमने डिस्कशन किए कि लोगों के काम के बारे में, तो हमने उनसे उन्होंने बताया कि ये जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ये जो कार्ड जो बांधकाम वालों के वास्ते भी हमने तो पहले शुरू की वाली थी, इससे बहुत से फायदे हैं। और कोरोना में मैंने खुद, मेरे पास के जो लेबर है, वर्कर है, 100-200 की मैंने भर दिया था, उनको लॉकडाउन में पैसे आए, उनके बच्चों के शादी को पैसे आए, और जो कोई इंश्योरेंस के भी उसमें आए वो भी पैसे आए, स्कूल के और स्कूल के भी है, और कोई हादसा होता है वो भी उनको सहूलत है। तो हम कल 26 जनवरी से औरंगाबाद शहर में पूरे वार्डों के अंदर ये दो स्कीम हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बांधकाम जो वर्कर है उनकी, बाकी का हर चीज उसमें ऐसे गवर्नमेंट ने उनकी थापी वलंबा जो भी सामान है वो भी मिल रहा, और उसके बाद में उनके खुद, मैं अभी कोरोना के टाइम में मेरे पास 400-500 लेबर है, मैंने उनके कुछ से लेबर का मैंने खुद किया था इंश्योरेंस, उनका पूरा कार्ड बनाया था, उनका बहुत फायदा हुआ, तो वो भी हमारे दिमाग में था। तो हम 26 जनवरी से कल से सादात नगर, रावल नगर, हमारे मोरे विरोधी पक्ष नेता इनके नेतृत्व में, हम कल, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वहाँ पर, तो हम कल से वहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे शिंदे साहब यहाँ पे, ये हमारे पश्चिम के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत मुबारक। और ये कोरोना का जो महामारी है वो 2 साल तो अपन मिल नहीं चुके, मगर आज भी वो बीमारी है, तो उसका जो गवर्नमेंट ने नियम पालन करके उसकी वैसा का झंडा वंदन होना चाहिए, करना चाहिए, और जाति गर्दी नहीं करनी, और घर घर पे भी अगर है तो अपने घर घर में भी झंडा वंदन होना चाहिए। सर आखिरी सवाल, श्रम कार्ड का जो कैंप आप लगा रहे हैं ये एक दिन का है या कुछ इसके अंदर आपने डेट मुकर्रर की है कि ये दिन इतने दिन रहेगा? हमारा हर शनिचर इतवार लोगों को, लेबर को उस दिन छुट्टी रहती। तो इतवार के दिन हमारे 3 वार्ड 2 वार्ड हमारी पूरी मुहिम अभी कल से हम 26 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं, और कल से हम राहुल नगर, सादात नगर, फिर उसके बाद जो वार्ड रहेंगे पूरे शहर के वो वार्ड हम पूरे कम्प्लीट, अभी वो पूरे आने वाले इसमें, अभी पहले कल तो 2 कर रहे हैं, आने वाले इसमें 2-3 वार्ड में हर इतवार के दिन हमारी है।